यहाँ देखिए हिस्ट्री दी है यहाँ पे, कोई हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि हम जो प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं, जो है इंटेल के प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए जी, फर्स्ट मीनिंगफुल प्रोसेसर रिलीज बाय इंटेल वॉज 8080। पहला प्रोसेसर इंटेल ने निकाला था वो 8080 इंट्रोड्यूस कराया था, और वो प्रोसेसर जो था ना वो 8 बिट पे काम करता था, 8 बिट का प्रोसेसर था 8080। द प्रोसेसर बिकेम पॉपुलर ड्यू टू इट्स सिंपलिस्टिक डिजाइन एंड वर्सेटाइल आर्किटेक्चर। तो ये पहला प्रोसेसर था 8080 जो कि इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जाहिर है अपनी सिंपलिसिटी की वजह से जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम 8080 एन एडवांस वर्जन वाज रिलीज्ड एज 8085। इसके बाद एडवांस वर्जन आया 8085, वो भी मतलब था तो वो भी 8 बिट का ही था, वो भी 8 बिट का, लेकिन जाहिर है उसमें अंदर कुछ एडवांस फीचर्स जो इंट्रोड्यूस करवाए थे 8085 को। उसके बाद इंटेल ने अपना पहला 16-बिट प्रोसेसर लॉन्च किया और उसका नाम रखा 8088, और इसके अंदर रैम सपोर्ट करती थी 64 KB। नहीं अच्छा, 64K जो है वो सपोर्ट करती थी 8085, ये जो पहले बताया। इसके अंदर जो 8088 लॉन्च किया इंटेल वालों ने, उसके अंदर 1 MB जो है ना, 1 MB रैम जो है पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाई गई, कि पहली मरतबा जो है 1 MB की रैम जो है वो यूज कर सकते थे। ठीक है, अभी तो हम रैम GB में यूज कर रहे हैं ना, GB में, लेकिन 8088 के अंदर पहली मरतबा 1 MB के अंदर रैम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो IBM embedded this processor in their personal computer. तो IBM वालों ने इस प्रोसेसर को अपने PC के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर उसको लॉन्च किया। उसके बाद जो है वो, इसके बाद इंटेल वालों ने 8086 प्रोसेसर लॉन्च किया 1978 में, और ये जो प्रोसेसर था ना 8086, वो जो है वो बिगनिंग था मॉडर्न इंटेल इनके, जो आजकल जो इंटेल के हम प्रोसेसर देख रहे हैं वो सारे के सारे इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। 8086 जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जब भी आप देखो इसका हम नाम रखते हैं x86 आर्किटेक्चर। x86 का मतलब क्या है कि अभी जितने प्रोसेसर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे प्रोसेसर 8086 फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, अभी तक जितने भी आ रहे हैं पेंटियम वगैरह जो भी है वो सब इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, 8086 की फैमिली। यानी कि 8086, x86 का मतलब है कि देखो यहाँ पर शुरू में वर्ड चेंज होता रहा, 286, 386, 486 ये चलता रहा, लेकिन सब एक्चुअली जो बिलोंग करते हैं वो 8086 प्रोसेसर से बिलोंग करते हैं। यानी कि इसका जो आर्किटेक्चर था 8086 का, वो आर्किटेक्चर अभी भी मेंटेन है आपके पेंटियम के अंदर, और आपके जो डुअल कोर डुअल क्वाड कोर प्रोसेसर आ गए उनके अंदर भी अभी तक ये आर्किटेक्चर मौजूद है जो 8086 का आर्किटेक्चर था। इसलिए हम कहते हैं कि 8086 फैमिली से ताल्लुक रखते हैं सारे प्रोसेसर। अच्छा, इसमें क्या फिर जाहिर है हमें 8086 को देखना पड़ेगा कि 8086 में क्या चीज़ें थी जो अभी जो के मेंटेन की हुई अभी तक। द प्राइमरी इनोवेशन ऑफ 8086 ओवर अर्लियर प्रोसेसर वर डेट ऑफ इट हैड 16-बिट रजिस्टर। तो इसके 8086 के अंदर जो है ना 16-बिट के रजिस्टर थे, एंड आ 16-बिट डेटा बस, एंड यूज द सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल परमिटिंग प्रोग्राम्स टू एड्रेस अप टू 1 MB ऑफ रैम। ठीक है ना, तो 16-बिट रजिस्टर्स थे और 16-बिट डेटा बस थी इसके अंदर, और इसमें सेगमेंटेड मेमोरी जो है वो यूज की गई थी, और जिसकी रेंज जो थी वो अप टू 1 MB रैम थी, यानी कि 1 MB की रैम जाहिर है सपोर्ट करता था। तो ईच प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इनटू द इंटेल फैमिली सिंस 8086 हैज बीन बैकवर्ड कंपैटिबल विद अर्लियर प्रोसेसर। ये वाला पॉइंट देख ले आखिरी, के आज तक जितने प्रोसेसर है वो सारे के सारे बैकवर्ड कंपैटिबल है, ठीक है ना, इस 8086 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मौजूद है। यानी कि जो प्रोग्राम
8086 पे चलते थे वो आज भी चलेंगे पेंटियम के प्रोसेसर्स पे या डुअल कोर क्वाड कोर प्रोसेसर पे आज भी चलेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे बैकवर्ड कंपैटिबल हैं 8086 के। तो इसलिए जो है ना 8086 जो है वो आपका वो 8086 जो है वो आपका जो है ना समझे एक तरह से बेंचमार्क है आज सबके प्रोसेसर्स के लिए, और वो सब सारे प्रोसेसर जितने भी इंटेल के वो इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो इसके बाद लॉन्च हुए 8086 के बाद। तो टेक्निकली IAPX888 स्टैंड्स फॉर इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। इट वाज द सक्सेसफुली, अच्छा ये मैं बता चुका हूँ 8088 पहला प्रोसेसर था 16 बिट का, ये बता चुका हूँ। हम 86 की बात कर रहे थे, तो 86 फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जितने प्रोसेसर अब आएंगे उसके अंदर जो है सारे प्रोसेसर है, जैसे इंटेल का पेंटियम है, कोर डू है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस AMD वालों के प्रोसेसर हैं, एथलॉन वगैरह, वो सब इसी इसी से ताल्लुक रखते हैं 86 से। इसके बाद लॉन्च हुआ था 80286। तो जाहिर है 86 सबके आखिर में आ रहा था शुरू में, ठीक है, जाहिर है सब 8086 से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वजह से 86 सबके आखिर में इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में ये 86 हट गया, लेकिन सब सपोर्ट जरूर करते हैं 8086 प्रोसेसर को। तो उसके बाद जो है इंटेल 80286 प्रोसेसर फर्स्ट यूज्ड इन द IBM PC सेट अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ स्पीड, इसके स्पीड और पावर ज्यादा थी 80286 की, और इट वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर टू रन इन प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर रन होने वाला पहला प्रोसेसर, प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, प्रोटेक्टेड मोड से क्या फायदा होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो प्रोटेक्टेड मोड जो है वो पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ था 80286 प्रोसेसर के अंदर। 80286 एड्रेस अप टू 16 मेगाबाइट्स ऑफ रैम यूजिंग अ 24 बिट एड्रेस बस। 16 MB की रैम सपोर्ट करता था, 16 MB एकदम से एक बहुत बड़ा जंप आया, 1 MB से 16 MB, तो 16 MB की रैम सपोर्ट करता था ये, और इसका एड्रेस बस 24 बिट का था 80286 का। तो एक अच्छा जो है वो मतलब इजाफा था।